कांग्रेस नेता जगदीश मालवी के घर में घुसकर हुई परिजनों के मारपीट ने शहर की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। एक तरफ जहां अपने कार्यकर्ता के साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए एसपी के नाम सीएसपी को उचित कार्रवाई करने का ज्ञापन सौंपा, वहीं क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने भी भाजपा पर कई तरह के आरोप लगाए थे, जिसको लेकर नगर मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल एवं पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने लगे आरोपों को बेबुनियाद बताकर विधायक गुर्जर पर पलटवार करते हुए कई तरह के आरोप लगाए हैं। पूरे नागदा शहर में आज मीडिया के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि कल मेरे खिलाफ एक ज्ञापन दिया गया कांग्रेस के मित्रों द्वारा। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता है जगदीश मालवी, जो आए दिन लगातार सोशल मीडिया पर अभद्र, हल्की और नीच किस्म की टिप्पणियां लिखता है और प्रचारित करता है। अब मुझे तो आज अखबारों के माध्यम से पता चला कि उसके साथ कोई घटना घट गई और कांग्रेस पूरी इकट्ठी होके सीएसपी कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंच गई और बराबर आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र का पालन ये भाजपा ही नहीं करते। सीधे फ्लैशबैक में लिए चलता हूँ 2003, ये लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोकप्रिय विधायक आज जिस प्रकार पूर्व विधायक दिलीप शेखावत पर मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर लिखने वालों पर हम लोग हमला करा रहे हैं या सोशल मीडिया पर जो लोग अपने विचार व्यक्त करते हम उन्हें दबाने का प्रयास कर रहे हैं, माननीय 2003 में आखिर ऐसा क्या कारण आ गया था कि राजनीतिक द्वेषता के चलते आपके परम मित्र की हत्या हो गई? आखिर ऐसा क्या कारण था कि नायर साहब के घर में घुसकर आपके चहोतों ने उन्हें मारा, पीटा, बर्बर हत्या की? आप भाजपाइयों पे आरोप लगा रहे हो कि हमने महिलाओं को मारा, हमने बच्चों को मारा, हमने बुजुर्गों को मारा। 2003 में ऐसा क्या हो गया था? तब संविधान कहाँ चला गया था? तब संविधान की दुहाई कहाँ चली गई थी? तब संविधान की दुहाई देने वाले माननीय विधायक जी आप कहाँ थे? आपने क्यों उन सबका पटाक्षेप नहीं किया? आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आपके कुछ टट पुंजे, फिर बोल रहा हूँ टट पुंजे ऐसे नेता हैं जो किसी के बारे में कुछ भी लिख देते हैं, किसी के नेताओं के बारे में कुछ भी अभद्र टिप्पणी लिख देते हैं। चलो ठीक है भाई, राजनीतिक क्षेत्र में यदि हम लोग काम कर रहे हैं तो आप लोग हम नेताओं के लिए हमारे नाम से कुछ ना कुछ लिखो, लेकिन किसी के पिता के बारे में लिख दो, किसी के बेटे के बारे में लिख दो, किसी की पत्नी के बारे में लिख दो, किसी के बच्चे के बारे में लिख दो, किसी के भाई के बारे में लिख दो, ऐसी चवन्नी छाप हरकतें माननीय विधायक जी कब बंद करोगे आप? और आप मीडिया के माध्यम से बड़े शरीफ बन रहे हैं, शराफत का चोला पहनकर भाजपाइयों पर आरोप लगा रहे हैं। 15 महीने का आपका शासनकाल नागदा नगर के बच्चे बच्चे ने देखा है, नागदा नगर के एक एक व्यक्ति ने भुगता है। व्यापारियों को किस ढंग से आप लोग ब्लैकमेल कर रहे थे, आप लोग के आपके लोग किस दादागिरी वाले रवैये से लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे। अब आपकी सरकार में मेयर पे एफआईआर हो गई कि मैंने दिनेश दुबे के घर में घुस के मारा, और झूठी एफआईआर मेयर पे, और बड़े हास्यास्पद बात कि आपके कुछ लोग मार्केट में प्रचार प्रसार कर रहे थे कि सीएम अतुल को मारा, धो दिया, मार दिया। मैं तो मारने वालों से पूछना चाह रहा हूँ, भैया सीएम अतुल को मारने के बाद थाने पे ज्ञापन देने की आवश्यकता क्या पड़ गई? जब सीएम अतुल को इतना ही मार लिया था तो थाने पे जाके गुहार विनती, हम कांग्रेस छोड़ देंगे, सीएम अतुल को गिरफ्तार कर लो, क्या कारण पड़ गया? माननीय विधायक जी, सरकार आपकी थी तो भी हम गुंडे, सरकार हमारी आ गई तो भी हम गुंडे, क्यों इस शहर को भ्रम में डाल रहे हो? और माननीय विधायक जी, आपका इतिहास तो इतना बुरा है, इतना पुराना है, आपके साथ के देवानंद भारद्वाज, आपके साथ के दिलीप शर्मा, आपके साथ के अरुण नायर, आपके साथ के एक बहुत लंबी चौड़ी सूची है जो लोग आपके किसी जमाने में अच्छे सिपे सलार हुआ करते थे, आपने उनके साथ क्या किया नागदा शहर को बता दो, आप नागदा शहर को बताओ।
कि लगातार मैं किस तरीके से मेरे अपने चाहने वालों को भी समय समय पर उलझाता हूं, किस नाटकीय ढंग से जगदीश मालवीय के कंधे का उपयोग करके इस शहर को भ्रम में डाल रहे हो। आपने आरोप लगा दिया कि भाजपा घर में घुस गए, अरे नाटकीय ढंग से अपने घर को बिखेर दिया, कुछ और मामला था, कुछ और झगड़ा था, आपने घर में आरोप लगा दिया, टीवी तोड़ दी, गाड़ी तोड़ दी, जेवर चुरा लिए। लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात, नागता नगर में यदि कोई किसी के घर हमला करने गया तो क्या वो मारेगा कूटेगा कि उसके जेवर चुराएगा, टीवी तोड़ेगा, गाड़ी तोड़ेगा? माननीय विधायक जी और कांग्रेस के मेरे मित्रगण, जिस प्रकार दो दिन पहले आगर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय उम्मीदवार के यहाँ पे दुर्गापुरा में हमला हुआ है, उस लोकप्रिय उम्मीदवार को, बेचारे को आप टारगेट मत करो, उस बेचारे की स्थिति को खराब मत करो। वो बेचारा आगर क्षेत्र का विधानसभा का उम्मीदवार है, वो विधायक बनने वाला है, और आप उसको बेचारे को आरोप प्रत्यारोप में घेर रहे हो। आप उसको रोज उकसा के सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी आप डलवाते हो, हल्की भाषा का इस्तेमाल आपके लोगों से आप करवाते हो, कब तक बेवकूफ बनाओगे? और सीएम अतुल की बात कर रहे हो कि सीएम अतुल गुंडा। मैंने मेरे आज तक के राजनीतिक जीवन काल में कभी किसी को प्रताड़ित नहीं किया, कभी किसी को परेशान नहीं किया। हाँ, गरीबों की लड़ाई के लिए यदि किसी अधिकारी को या किसी कर्मचारियों से अगर मेरी भैंस हुई होगी तो वो होगी, आगे भी करूँगा, इसलिए कि मुझे गरीब जनता की सेवा में लगना है। गरीब जनता को जो परेशान करेगा उनके खिलाफ तो मैं खड़ा रहूँगा माननीय विधायक जी, पर भ्रम फैलाना नागदा में बंद कर दो, भ्रम की राजनीति बंद कर दो। और ये जो दुहाई आप दे रहे हो, संविधान संविधान संविधान, तो 2003 का मेरा प्रश्न आपको छोड़ के जा रहा हूँ। इस 2003 के पूरे प्रश्न पर मैंने जो जो पूछा है उसका उत्तर इस नागदा नगर को दे देना, उत्तर दे देना कि उस 2003 के पहले भी आपके कनेक्शन कितने लोगों से थे। वो मीडिया में कह रहे हो आप कि ऐसे कई गुंडे आए और चले गए, तो नागदा नगर को पता है कि कौन कौन गुंडे आए और कौन कौन गुंडे चले गए, और नागदा नगर में 93 के बाद से गुंडागर्दी किसने की, हफ्ता वसूली किसने की, पर्चियों पर चंदा वसूली किसने की, कितने बड़े बड़े गुंडे आपके संरक्षण में थे, गुंडों की चोरी की गाड़ी पर जुलूस किसका निकला, क्यों कौन से गुंडे ने सर पर चांदी का मुकुट पहनाया, कौन से गुंडे ने आपको बादाम से तोला, ये नागदा नगर को बताओ। ये सीएम अतुल और दिलीप शेखावत पे आरोप लगाना बंद करो। आपको क्षेत्र की जनता ने इसलिए चुना है कि क्षेत्र में आप विकास कर सको। 15 महीने विकास की जगह अपने पट्टों को जुआ सट्टा और दारू में लगाते रहे, उनको एक नया व्यवसाय दे दिया। क्षेत्र की जनता का वोट लेके आपने उन्हें मूर्ख बनाया, विकास के नाम पर एक भी काम नहीं किया। पूर्व विधायक दिलीप शेखावत के प्रस्तावित सभी कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे और कुछ का भूमि पूजन करके पत्थर पर खुद का नाम लिखवा लिया। विकास की बात करो, 15 महीने कुछ नहीं कर पाए, अब सरकार बदल गई तो दुहाई दे रहे हो कि हमारी सरकार होती तो किसान कर्जा माफ हो जाता, हमारी सरकार आ जाती तो बेरोजगारी भत्ता दिलवा देता, हमारी सरकार आ जाती तो महिलाओं का शंभू लोन माफ करा देता। बंद करो डिप्लोमेटिक राजनीति। आप राजनीति में हैं तो राजनीति का एक अच्छा स्तर बनाने की पहल शुरुआत आप करो। हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर हम क्या है, उसके बाद दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करने का पहल सिलसिला शुरू करें। मैं तो मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने परिवार के आप सदस्य हैं, अपने परिवार का ध्यान भी रखें। इस प्रकार माननीय विधायक जी के कहने पर कुछ भी अनर्गल हरकतें ना करें, आपको उलझा कर ये भार हो जाएंगे और आपको उलझाने के बाद ये साथ नहीं देंगे। पुराने अच्छे अच्छे इतिहास हैं नागदा में, उनसे मिलिए, उनसे उनका अनुभव लीजिए, उनसे पूछिए कि वो कितने सीपे सलार थे माननीय विधायक जी के और उन्होंने कितना साथ निभाया। और आपसे जब आपके साथ रहेंगे तो एक मशहूर गाना है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, लेकिन जैसे ही माननीय विधायक जी का काम पूरा हो जाता है ये टाटा बाय बाय भी कर देते हैं।
क्योंकि इनका स्लोगन है आओ तो वेलकम जाओ तो भीड़ कम। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं के लिए काम करती है, कार्यकर्ता से ही हमारी पार्टी चलती है। और एक मूल मंत्र है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर हम लोग चलते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं, समाज में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति का उत्थान हमारा लक्ष्य है, किसी के घर में घुसकर गुंडागिरी दादागिरी या मारपीट करना हमारा उद्देश्य नहीं है। केवल आरोपों से कुछ नहीं होता। मैं तो मीडिया के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, पूरा शहर इस बात के लिए चिंता व्यक्त करें कि आखिर ऐसी हरकतें क्यों हो रही है, पूरा शहर इस बात के लिए चिंता व्यक्त करें कि आखिर सरकार इनकी तो भी हम गुंडे, सरकार हमारी तो भी हम गुंडे, ये डिप्लोमेटिक राजनीति कांग्रेस कर रही है। मैं मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद शहर भर को देना चाहता हूँ कि आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की सराहना करते हैं। हम लोग लगातार आम जनता की सेवा में लगे हुए, कल ही जैन मंदिर के लिए जो आंदोलन पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी के नेतृत्व में हमने लड़ा उसे पूर्ण अंजाम दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी को कि आप लोगों की वजह से भारतीय जनता पार्टी सफलतम काम नगर भर में कर रही है, आगे भी करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचलित नहीं है, पार्टी की सेवा में लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।